नगर परिषद सोलन में अध्यक्ष पद की कुर्सी फिलहाल बीजेपी नहीं बचा पाई। इस पद पर काबिज पवन गुप्ता को अपनी ही पार्टी के 7 पार्षदों ने पटकनी दे डाली। अध्यक्ष पवन गुप्ता के कहने पर ही गुप्त मतदान करवाया गया, लेकिन उन्हें केवल 5 पार्षदों ने ही समर्थन दिया, जिसके चलते आज अध्यक्ष पद रिक्त हो गया। पार्षदों द्वारा पिछले दिनों अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें 7 भाजपा और 3 कांग्रेसी पार्षद शामिल थे। कुछ दिन बाद 2 अन्य कांग्रेसी पार्षदों ने भी अविश्वास प्रस्ताव दे डाला। प्रशासन द्वारा 16 जून तक पवन गुप्ता को विश्वास मत प्रस्तुत करने का समय दिया गया था। काफी जोर तोड़ के बाद पवन गुप्ता एक कांग्रेसी पार्षद को अपने समर्थन में कर पाए, जिसके बाद आज एसडीएम के समक्ष हुई वोटिंग में पवन गुप्ता के समर्थन में 5 मत पड़े, जबकि पवन गुप्ता से नाराज चल रहे 10 पार्षद उन्हें अध्यक्ष पद से बाहर करने में डटे रहे। 15 पार्षदों वाली सोलन नगर परिषद में 10 भाजपा और 5 कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं। अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम एकता काप्टा ने बताया कि अध्यक्ष पवन गुप्ता के कहने पर ही गुप्त मतदान करवाया गया, लेकिन उन्हें केवल 5 पार्षदों ने ही समर्थन दिया, जिसके चलते आज अध्यक्ष पद रिक्त हो गया है। 30 दिनों के भीतर नियमानुसार नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, तब तक उपाध्यक्ष मीरा आनंद ही कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगी। इसलिए हमने जो है सीक्रेट बैलेट किया, जिसमें हमने लिखा था कि अविश्वास प्रस्ताव का जो समर्थन करते हैं वो समर्थन पे चिन्ह लगाएं, जो विरोध करते हैं वो विरोध पे चिन्ह लगाएं। इस तरह से कुल 10 पार्षदों ने इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है और 5 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया है। तो फिर ये जो है हाउस की मेजोरिटी से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, इसलिए नगर परिषद के अध्यक्ष की जो पद है वो अभी रिक्त हो गया है। सोलन में 30 दिन के भीतर नए प्रेसिडेंट का जो है वो चुनाव करना जरूरी है, तो इतने दिनों में तो उनकी एब्सेंस में उपाध्यक्ष ही रहेंगे। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में कांग्रेसी पार्षद नगर परिषद उपाध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सोलन में भाजपा में बड़ी दरार और अधिक गहरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन।